हेलो स्टूडेंट्स, और कैसे हो? पढ़ाई लिखाई सब ठीक चल रही है? तो प्रैक्टिस ज़रूर करते रहना। अच्छा, लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था? हमने स्टैंडिंग वेव्स के बारे में डिस्कस किया था, तो आज हम साउंड वेव्स शुरू कर रहे हैं। साउंड वेव्स क्या है, साउंड वेव्स क्यों जनरेट होती हैं? जैसे मैं बोल रहा हूँ तो साउंड वेव्स कैसे जनरेट हो रही हैं? साउंड वेव्स जनरेट होती हैं बिकॉज ऑफ प्रेशर वेरिएशन। ठीक है, जैसे मीडियम है, मतलब एयर है, एयर में क्या होगा, जैसे मैं बोलूँगा तो रेयरफैक्शन एंड कंप्रेशन होता है। रेयरफैक्शन वो कंप्रेशन जो होता है, वो रेयरफैक्शन कंप्रेशन हमारे जो ईयर तक वहाँ तक जाता है, तो ईयर ड्रम के अंदर जो वाइब्रेशन, जो मेम्ब्रेन है वो वाइब्रेट करती है। ठीक है, वो वाइब्रेशन फाइनली हमारा ब्रेन उसको डिटेक्ट करता है, उस वाइब्रेशन को। ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग हमको वो सुनाई देता है। ठीक है, अच्छा जी, अब जैसे साउंड वेव्स की हम बात करें, तो साउंड वेव को हम प्रेशर वेव भी कहते हैं। इनका जो इक्वेशन की बात करें, यदि मैं डिस्प्लेसमेंट के टर्म्स में इक्वेशन की बात करता हूँ, तो जैसे y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, दिस इज द इक्वेशन ऑफ साउंड वेव्स इन टर्म्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, इसमें y क्या होगा, क्योंकि लॉन्गिट्यूडनल वेव है ना, y भी एक तरीके से हमारा डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल अलोंग x एक्सिस ही होगा। जैसे मैं कुछ ऐसे भी देख सकता हूँ, जैसे जब कोई भी साउंड वेव नहीं है मीडियम के अंदर, तो मीडियम को जिस तरीके से होगा, कहीं भी कोई रेयरफैक्शन नहीं है, कंप्रेशन नहीं है। ठीक है, अब क्या है, जब साउंड वेव जनरेट होती है, यहाँ से मान लो साउंड वेव इधर से जो डिस्टरबेंस आगे बढ़ रहा है, तो उसमें क्या हो जाता है, रेयरफैक्शन एंड कंप्रेशन। तो कंप्रेशन रेयरफैक्शन, कंप्रेशन रेयरफैक्शन, कंप्रेशन रेयरफैक्शन, इस तरीके से। यहाँ पर कोई वेव नहीं थी, नो साउंड इन दिस केस। ये जो हमने बनाया है, यहाँ पर ये जो डेंसिटी है इसकी, वो यूनिफॉर्म हम कह सकते हैं, प्रेशर हर जगह एक जैसा है। यहाँ पर नो साउंड इस केस में, यहाँ पर साउंड वेव्स हमने प्रोड्यूस की, इधर से मान लो साउंड वेव उधर की तरफ जा रही हैं, इन प्रेजेंस ऑफ साउंड इस तरीके की सिचुएशन होगी। ठीक, अब है क्या, जैसे यहाँ पर प्रेशर मान लिया पी नॉट इक्वल है, पी एटमॉस्फेरिक मान लेते हैं, कि यहाँ प्रेशर क्या, पी एटमॉस्फेरिक। जब हम जैसे यहाँ पर इस केस में जब साउंड वेव्स इस मीडियम के अंदर हैं, तो वहाँ पर क्या होगा कि प्रेशर, जहाँ गैस जहाँ रेयरिफाई हुई वहाँ प्रेशर कम हो गया, और जहाँ कंप्रेशन हुआ वहाँ प्रेशर बढ़ गया। तो जैसे यहाँ पर जो प्रेशर होगा वो पी नॉट माइनस डेल्टा पी नॉट हो गया, मान लो डेल्टा पी नॉट यहाँ पर क्या है, प्रेशर एम्पलीट्यूड, चेंज इन प्रेशर। ठीक, यहाँ पर प्रेशर क्या हो जाएगा, इस जगह प्रेशर आ जाएगा पी नॉट प्लस डेल्टा पी नॉट, इस तरीके से चलेगा। ये जो डेल्टा पी नॉट है, जिसको कि हम प्रेशर एम्पलीट्यूड कहेंगे, यानी कि जो प्रेशर में जो वेरिएशन आ रहा है साउंड की वजह से, उसको हम प्रेशर एम्पलीट्यूड कह रहे हैं। तो प्रेशर एम्पलीट्यूड के टर्म्स में यदि हम इक्वेशन लिखते हैं प्रेशर, तो यहाँ पर क्या होगा, प्रेशर इज इक्वल टू डेल्टा पी नॉट, डेल्टा पी नॉट प्रेशर एम्पलीट्यूड हो गया। वहाँ पर ए क्या था, पार्टिकल्स का जो डिस्प्लेसमेंट है उसका एम्पलीट्यूड था। ठीक है, तो यहाँ से आ गया पी इज इक्वल टू डेल्टा पी नॉट, ये कॉस का फंक्शन आता है, जैसे यहाँ साइन का था, ये कॉस का फंक्शन आता है। ठीक है, अच्छा, अब इसमें ये जो डेल्टा पी नॉट है, डेल्टा पी नॉट की वैल्यू ये आती है बी ए एंड के। बी यहाँ पर क्या है, बल्क मॉडुलस ऑफ द मीडियम, जो मीडियम है उसका बल्क मॉडुलस हो गया। ए इज द एम्पलीट्यूड, डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड, एंड के प्रोपोगेशन कॉन्स्टेंट, यहाँ पर जो के था। तो ये प्रेशर इज इक्वल टू डेल्टा पी नॉट कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स। ठीक है, अब मैं जैसे प्रेशर प्रेशर के टर्म्स में जो वेव है उसको ऐसे देख लो कि ये जो प्रेशर है, मान लो ये पी एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। क्या है यहाँ पर प्रेशर, पी एटमॉस्फेरिक। अब इसमें जैसे साउंड वेव जनरेट होती हैं, तो साउंड वेव की वजह से प्रेशर का वेरिएशन कुछ, जैसे यहाँ कॉस का फंक्शन लिखा मैंने, कुछ इस तरीके से प्रेशर वेरिएशन होगा। तो यहाँ पर आ जाता है पी एटमॉस्फेरिक प्लस डेल्टा पी नॉट, डेल्टा पी नॉट हमारा प्रेशर एम्पलीट्यूड के इक्वल था, और यहाँ पर जो आएगा वो यहाँ आएगा पी एटमॉस्फेरिक माइनस डेल्टा पी नॉट। ठीक है, अब इसमें क्या है, पी एटमॉस्फेरिक को हमने रेफरेंस मान लिया, तो उसके रेस्पेक्ट में हमने ये वाला इक्वेशन लिखा है। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। तो ये आ गया प्रेशर के टर्म्स में इक्वेशन आ गया। अच्छा, अब इसमें आप देखो, जैसे यहाँ पर साइन का फंक्शन था और यहाँ पर कॉस का फंक्शन आ गया, इसका मतलब कि जैसे साइन कॉस में क्या, पाई बाई टू का फेज डिफरेंस हो गया, तो इसको हम आगे यूज करेंगे कि साइन कॉस के फंक्शन के चेंज होने से आगे जो हमारे नोड और एंटी नोड फॉर्म होते हैं, क्योंकि साउंड वेव्स के केस में भी स्टैंडिंग वेव फॉर्म होती हैं। स्टैंडिंग वेव ऑर्गन पाइप्स के केस में फॉर्म होती हैं, क्लोज ऑर्गन पाइप और ओपन ऑर्गन पाइप, टू टाइप्स के ऑर्गन पाइप्स होते हैं, जैसे आपको पहले से पता है। तो मैं ऑर्गन पाइप्स को डिस्कस कर रहा हूँ अभी। तो ऑर्गन पाइप्स, देर आर टू टाइप्स ऑफ ऑर्गन पाइप्स, क्लोज ऑर्गन पाइप्स एंड ओपन ऑर्गन पाइप। ठीक है, क्लोज ऑर्गन पाइप में क्या होता है,
जैसे यहाँ पर इसका एक एंड क्लोज होता है, ठीक। तो जैसे मैं ये मार्कर का कैप है तो इसका एक एंड क्लोज है, एक ये ओपन है, तो ये क्लोज ऑरन पाइप की तरह एक्ट करेगा। जैसे आपके पेन का कैप वो भी क्लोज ऑरन पाइप की तरह काम करेगा, ठीक है। तो इसमें जैसे यदि मैं ब्लो करता हूँ तो ये जो साउंड जनरेट हो रही है, ठीक है, सुनाई दी आपको, तो ये क्यों जनरेट हो रही है? सिंपली एयर कॉलम है, एयर कॉलम यहाँ वाइब्रेट करता है, उसकी वजह से साउंड जनरेट होगी। अच्छा, अब जो साउंड का जो पिच है, साउंड की जो फ्रीक्वेंसी है, इसकी लेंथ पर डिपेंड करती है, ठीक है। क्योंकि फ्रीक्वेंसी लेंथ ज़्यादा होगी, फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है, तो क्वालिटी ऑफ साउंड, और हम ये कह सकते हैं कि जो पिच ऑफ द साउंड है उसमें वेरिएशन आता है। तो हम बाद में बात करेंगे, अभी इसकी हम पहले इनिशियली जो बात कर रहे हैं वो क्लो इसकी ऑर्गन पाइप के जो डिफरेंट इसमें जो मोड्स हैं, मोड्स ऑफ वाइब्रेशन है, उनकी हम बात कर रहे हैं। तो अब देखो, क्लोज ऑर्गन पाइप वन एंड क्लोज हो गया, ओपन ऑर्गन पाइप में क्या है, दोनों एंड ओपन होते हैं ऑर्गन पाइप के। यहाँ पर जैसे फर्स्ट जो पॉसिबिलिटी है कि ये सबसे पहले फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ओपन एंड पर हमेशा एंटी नोड बनेगा एंड क्लोज एंड पर नोड बनेगा, ये मैं बात कर रहा हूँ इन टर्म्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ये डिस्प्लेसमेंट के टर्म्स में देख रहे हैं तो इस तरीके की कंडीशन आएगी, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द जो पार्टिकल ऑफ द मीडियम है, यहाँ पर क्या है, इसी के कॉरस्पॉन्डिंग मैंने बनाया है, बट ये मैंने लिया है इन टर्म्स ऑफ प्रेशर, ये वाला प्रेशर के टर्म्स में लिया है, ठीक। तो इसको ना अच्छी तरह से देखो कि यहाँ पर जैसे ये एंटी नोड है, कौन सा, डिस्प्लेसमेंट एंटी नोड, बट एट द सेम एंड यहाँ पर क्या आ रहा है, प्रेशर नोड बन रहा है, उल्टा होता है, यहाँ प्रेशर नोड और यहाँ पर प्रेशर एंटी नोड और यहाँ डिस्प्लेसमेंट नोड, उल्टे हो गए, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पर जो ओपन एंड है वहाँ पर एंटी नोड बनेगा। तो नेक्स्ट जो पॉसिबिलिटी है उसमें इस तरीके की सिचुएशन आएगी, जो कि हमने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था, ठीक। इसी तरीके से यहाँ पर जो ओपन ऑर्गन पाइप है उसमें दोनों एंड ओपन है, तो दोनों एंड पर क्या बनेगा, एंटी नोड बनेगा, यदि हम डिस्प्लेसमेंट के टर्म्स में बात करें तो, ठीक। एंड यदि हम बात करते हैं प्रेशर के टर्म्स में, तो प्रेशर के टर्म्स में क्या आएगा, यहाँ प्रेशर के टर्म्स में इधर नोड, एंटी नोड, नोड, मीन्स जो एंटी नोड एंड नोड है वो इंटरचेंज हो जाते हैं इन केस ऑफ प्रेशर, ठीक है। तो ये डिफरेंट जो पॉसिबिलिटीज हैं उनकी हमने बात की। अब यहाँ पर जैसे हमको फ्रीक्वेंसी वगैरह लिखनी है, तो फ्रीक्वेंसी के लिए जैसे इधर से क्लियरली पता चल रहा है आपको कि जो एल होगा वो लैम्डा बाई फोर के इक्वल है, तो इसमें जो फ्रीक्वेंसी होगी, क्योंकि हमको पता है वी इक्वल टू न्यू इनटू लैम्डा, ठीक है। वी यहाँ पर जो वेव्स की, साउंड वेव्स की जो स्पीड है वो वी के इक्वल है, तो वी इक्वल टू न्यू इनटू लैम्डा, इस केस में लैम्डा क्या आ गया, फोर एल, तो न्यू आ जाएगा वी अपॉन फोर एल, दिस इज द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी और जीरोथ ओवरटोन और फर्स्ट हार्मोनिक, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट में हम जाएंगे, यहाँ पर किया जाएगा कि थ्री टाइम्स आएगा, थ्री टाइम्स वी एफ फोर एल आता है, दिस इज थर्ड हार्मोनिक और फर्स्ट ओवरटोन, क्लियर, एंड सो ऑन। आगे भी हम इसी तरीके से फ्रीक्वेंसीज लिख लेंगे, एंड सेम तरीके से यहाँ पर ओपन ऑर्गन पाइप के केस में, जैसे यहाँ एल कितना आ रहा है, लैम्डा बाई टू, इस केस में जो वी, इस केस में जो फ्रीक्वेंसी होगी न्यू, वो आएगी वी बाई टू एल, समझ में आ गया, क्योंकि एल क्या है हमारा, लैम्डा बाई टू की इक्वल है, तो लैम्डा यहाँ से आ गया टू एल के इक्वल, ठीक। न्यू वी बाई टू एल, इस केस में जो फ्रीक्वेंसी होगी टू टाइम्स वी बाई टू एल, तो दिस इज यहाँ पर आ गया फर्स्ट हार्मोनिक, दिस इज सेकेंड हार्मोनिक, यहाँ थर्ड हार्मोनिक, ठीक। इसमें जो इंपॉर्टेंट बात एक ये है कि जैसे यहाँ पर क्या था कि फर्स्ट वन इंटू वी बाई फोर एल, उसके बाद थ्री टाइम्स वी बाई फोर एल, तो ये फर्स्ट हार्मोनिक है, उसके बाद थर्ड हार्मोनिक है, नेक्स्ट आएगा फिफ्थ हार्मोनिक, तो इसमें ओनली ऑड हार्मोनिक्स एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन इधर की तरफ हम देखते हैं तो यहाँ पर जैसे वी बाई टू एल इंटू वन मीन्स दिस इज फर्स्ट हार्मोनिक, नेक्स्ट आ गया टू टाइम्स वी बाई टू एल सेकेंड हार्मोनिक, इस केस में आएगा फ्रीक्वेंसी थ्री टाइम्स ऑफ वी बाई टू एल, तो हार्मोनिक का नंबर बढ़ता जा रहा है। और यहाँ पर क्या है, इवन एंड ऑड सारे हार्मोनिक्स हैं, इवन एज वेल एज ऑड ऑल हार्मोनिक्स आर प्रेजेंट इन केस ऑफ ओपन ऑर्गन पाइप, ठीक है। अब इसी में साथ साथ हम थोड़ा सा क्वालिटी ऑफ साउंड की बात करते हैं। क्वालिटी ऑफ साउंड क्या होता है कि जिस केस में ज़्यादा हार्मोनिक्स प्रेजेंट होते हैं वहाँ पर क्वालिटी बेटर होती है, इसके कंपेरिजन में इधर क्वालिटी ऑफ साउंड बेटर होगी। क्यों बेटर होगी, क्योंकि यहाँ पर जो हार्मोनिक्स हैं वो सारे के सारे हार्मोनिक्स प्रेजेंट हैं, यहाँ ओनली ऑड हार्मोनिक्स प्रेजेंट हैं, ठीक है। अच्छा, अब हम बात कर रहे हैं कि जो स्पीड ऑफ साउंड वेव्स डिफरेंट इन डिफरेंट मीडियम्स, तो स्पीड ऑफ साउंड वेव्स इन डिफरेंट मीडियम्स के केस में जैसे वी इक्वल टू, ये सॉलिड्स की बात करें तो यंग्स मॉडुलस अपॉन डेंसिटी, एंड फ्लूइड्स की बात करें तो बल्क मॉडुलस अपॉन
डेंसिटी। ये जो फ्लूइड्स का केस मैं लेके चल रहा हूँ, तो फ्लूइड्स के केस में दो पॉसिबिलिटी हैं, लिक्विड्स का केस और गैसेस का केस। अब इसमें क्या है कि लिक्विड के केस में तो सीधा सीधा वी बाई रो होगा, लेकिन इन केस ऑफ गैसेस, गैसेस के केस में जो प्रोसेस है, जैसे प्रोसेस आपका आइसोथर्मल हो सकता है, एडियाबेटिक हो सकता है। तो सबसे पहले जैसे न्यूटन ने इसमें एक फॉर्मूला दिया था, न्यूटन ने एज्यूम किया था कि जो प्रोपेगेशन ऑफ साउंड है, जैसे मैं बोल रहा हूँ और साउंड एयर में ट्रेवल कर रही है, तो जो प्रोपेगेशन ऑफ साउंड थ्रू एयर है उसको न्यूटन ने माना था आइसोथर्मल प्रोसेस है, कि टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं होता, टेम्परेचर कॉन्स्टेंट रहता है, एंड उसके बेसिस पर फॉर्मूला निकाला। लेकिन वो फॉर्मूला ठीक नहीं था। अकॉर्डिंग टू न्यूटन जो फॉर्मूला आया था वी इक्वल टू रूट ऑफ पी वाई रो, क्योंकि आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए जो बल्क मॉडुलस है वो प्रेशर के इक्वल आता है, ठीक है। लेकिन ये फॉर्मूला रॉन्ग है, क्योंकि एक्सपेरिमेंटली ये रिजल्ट वेरीफाई नहीं हुआ, एक्सपेरिमेंटली जो वैल्यू आ रही थी वो डिफरेंट थी। इसको मॉडिफाई किया लाप्लास ने, लाप्लास ने एज्यूम किया था कि जो गैसेज में साउंड ट्रेवल करती है वो एडियाबेटिक प्रोसेस है, ठीक है। एंड एडियाबेटिक प्रोसेस के केस में जो बल्क मॉडुलस है, यहाँ पर जैसे बल्क मॉडुलस था प्रेशर के इक्वल, और यहाँ पर बल्क मॉडुलस आता है गामा टाइम्स ऑफ प्रेशर, ये इजीली डिफ्रेंशिएट करके ड्राइव करके आ जाते हैं। तो अब लाप्लास ने जो रिजल्ट निकाला, लाप्लास के अकॉर्डिंग जो स्पीड ऑफ साउंड इन गैसेज वो आता है गामा पी वाई रो, एंड इसको और थोड़ा सा हम दूसरे फॉर्म में लिखें तो यह आ जाता है गामा टाइम्स आर टी वाई एम। गामा क्या है यहाँ पर? गामा होता है एडियाबेटिक एक्सपोनेंट, ठीक है। एडियाबेटिक एक्सपोनेंट पर डिपेंड करता है वी, अलग अलग गैसेस के लिए गामा की वैल्यू डिफरेंट हो सकती है, तो गामा आर टी वाई एम, ठीक। अब इसमें मैं बात करता हूँ कि जो फैक्टर्स हैं, जिन फैक्टर्स पर स्पीड ऑफ साउंड डिपेंड करेगी वो क्या क्या हो सकते हैं। तो फैक्टर्स में सबसे पहला मैं बात करता हूँ प्रेशर की। तो प्रेशर, जैसे ये वाला हमारे पास रिजल्ट है V इज इक्वल टू रूट गामा पी वाई रो, ये वाला रिजल्ट जो दिखाई दे रहा है हमको, इस रिजल्ट में यदि हम देखें V इक्वल टू क्या है, रूट गामा पी वाई रो, यदि प्रेशर को चेंज करते हैं तो V की वैल्यू चेंज होगी, ऐसा हमको लगता है, बट एक्चुअली इट इज़ नॉट ट्रू। बट एज द प्रेशर चेंजेस डेंसिटी ऑल्सो चेंजेस, इफ वी इंक्रीज द प्रेशर डेंसिटी ऑल्सो इंक्रीजेज, इन दैट केस प्रेशर अपॉन डेंसिटी रिमेन्स कॉन्स्टेंट, दैट्स वाई जो स्पीड होगी, स्पीड क्या आ जाती है, कॉन्स्टेंट आ जाती है। तो V इज इक्वल टू रूट गामा पी वाई रो, ठीक, बट पी वाई रो क्या होता है, कॉन्स्टेंट हो जाता है ये वाला टर्म, सो प्रेशर पर स्पीड डिपेंड नहीं करती। तो एक तरीके से हम कह सकते हैं नो इफेक्ट, प्रेशर का कोई भी इफेक्ट नहीं होता है, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर, क्लियर। अच्छा, इसके बाद दूसरा फैक्टर हम बात करते हैं जैसे टेम्परेचर की। तो टेम्परेचर के अकॉर्डिंग यहाँ से क्लियरली पता चल रहा है कि यदि गामा आर, आर तो कांस्टेंट है पर्टिकुलर गैस के लिए, गामा भी कांस्टेंट होगा, एम भी कांस्टेंट होगा, तो जो वी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कैपिटल टी आ गया, ठीक। इसमें हमको जिस तरीके से देख सकते हैं, जैसे वी मैं कहता हूँ 0 डिग्री सेल्सियस पर, तो वी एट 0 डिग्री सेल्सियस गामा आर इंटू टी, 0 डिग्री सेल्सियस के लिए क्या हो गया, 273 डिवाइडेड बाई एम, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो कैपी ये टेम्परेचर है कैपिटल टी, टेम्परेचर इन केल्विन हमको कंसिडर करना होगा। सो वी एट 0 डिग्री सेल्सियस इज दिस, एंड वी एट टी डिग्री सेल्सियस ये जाएगा रूट ऑफ गामा आर 273 प्लस टी डिवाइडेड बाई एम। तो किसी भी टेम्परेचर टी पर जो स्पीड है वो इसके इक्वल आ जाएगी, ठीक है। अब मैं बात कर रहा हूँ एंड करेक्शन की। एंड करेक्शन क्या है कि जैसे हमारे पास क्लोज ओरन पाइप या ओपन ओरन पाइप होते हैं, तो एंड उसमें जो साउंड वेव्स जो जनरेट होती हैं, ठीक है, तो हमने माना था कि ओपन एंड पर क्या होता है, हमेशा एंटीनोड फॉर्म होता है, डिस्प्लेसमेंट एंटीनोड एंड प्रेशर नोड फॉर्म होता है। लेकिन प्रैक्टिकली देखा जाए यहाँ पर जो एंटीनोड है ना, थोड़ा सा इससे बाहर फॉर्म होता है, एंटीनोड इज फॉर्म स्लाइटली आउटसाइड दिस ओपन एंड। तो एग्जैक्टली एंड पर फॉर्म ना होके एंटीनोड स्लाइटली अवे फ्रॉम दिस ओपन एंड, एंड दिस इज कॉल्ड एंड करेक्शन। सो इन दिस केस सपोज दिस लेंथ इज एल, सो इन दिस केस जो फ्रीक्वेंसी होगा, बिकॉज एल प्लस ई इज इक्वल टू, यहाँ से क्या लिखेंगे, एल प्लस ई इज इक्वल टू लैम्डा बाई 4, ठीक, एंड लैम्डा इज इक्वल टू 4 टाइम्स एल प्लस ई, एंड फ्रीक्वेंसी वी अपॉन 4 टाइम्स एल प्लस ई, क्लियर। सो एंड करेक्शन इज द डिस्टेंस जो कि यहाँ से बाहर है, ई की जो वैल्यू है, एंड करेक्शन डिपेंड्स अपॉन द रेडियस ऑफ द ट्यूब, एंड दिस इज 0.6 टाइम्स ऑफ आर। एंड करेक्शन इज ऑन बोथ द साइड्स, तो ओपन और ओरन पाइप के केस में एंड करेक्शन दोनों तरफ होगा, ई इधर, ठीक है। तो यहाँ से जो ई की वैल्यू होगी कितना आ जाएगा, ट्वाइस ही हो गया ये,
So total end correction 2e, this is 0.3 times or 1.2 times of r. Okay? This is total end correction. And in this case, the fundamental frequency is nu, what will we write? Because open organ pipe ke case, fundamental frequency was v by 2l. So in this case, it is v by 2 times of l plus 2e. L plus 2 times of e, and where e is end correction at one end, and its value is 0.6 r. ठीक, इसके बाद हमको रेजोनेंस ट्यूब के बारे में पढ़ना है कि रेजोनेंस ट्यूब की हेल्प से हम स्पीड ऑफ साउंड इन एयर किस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं. ठीक है, तो रेजोनेंस ट्यूब के बारे में पढ़ते हैं. तो इसमें क्या होता है कि जो एयर कॉलम है, पहले रेजोनेंस ट्यूब का इसका मतलब समझ लो. इसमें हम रेजोनेंस की बात करेंगे, एंड ये दिस इज कॉल्ड रेजोनेंस ट्यूब. इसको हम लैब में इससे स्पीड ऑफ साउंड इन एयर निकालने के लिए हम यूज करते हैं. तो इसमें क्या होता है कि यहाँ पर एक वाटर टैंक है, वाटर टैंक, इसमें ये पूरा पानी भरा हुआ है. इधर से ना ये रबर ट्यूब होती है इस तरीके से, यहाँ पूरा इस लेवल तक जो लेवल यहाँ है वाटर का, वही लेवल इधर होगा. एंड इधर की तरफ ये ट्रांसपेरेंट ट्यूब होती है, साइड में एक स्केल लगा होता है. स्केल की हेल्प से क्या है कि हम देख सकते हैं कि पानी का लेवल क्या है. ठीक, जैसे वाटर यहाँ तक भरा हुआ है, तो यहाँ पर ये एयर कॉलम हो गया, ये एयर कॉलम वाइब्रेट करेगा. अब एयर कॉलम को वाइब्रेट करने के लिए हम क्या करते हैं, एक फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी का ट्यूनिंग फॉर्क का हम यूज़ करते हैं. जैसे यहाँ पर एक ट्यूनिंग फॉर्क मैं प्लेस करता हूँ, तो इस ट्यूनिंग फॉर्क की वजह से जो वाइब्रेशंस होते हैं, ठीक, तो ट्यूनिंग फॉर्क ऑसिलेट करेगा. ट्यूनिंग फॉर्क की वजह से यहाँ पर वाइब्रेशंस जनरेट होंगे. तो जब ट्यूनिंग फॉर्क की फ्रीक्वेंसी और यहाँ जो एयर कॉलम के अंदर जो फ्रीक्वेंसी है, वो फ्रीक्वेंसी जैसे ही मैच करेगी, तो साउंड की जो इंटेंसिटी है काफ़ी तेज़ सुनाई देती है हमको. अब लैब में इजीली साउंड को सुन सकते हो. तो इसमें क्या है कि सबसे पहले जैसे मान लो लेंथ L1 के इक्वल है, तो जैसे यहाँ मैंने दिखाया इसको, ये लेंथ L1 है, ये E यहाँ पर एंड करेक्शन. सो इस केस में जो L1 प्लस E होगा, L1 प्लस E क्या होगा, लैम्डा बाई 4 के इक्वल होगा. ठीक है, अच्छा, इसके बाद क्या है कि वाटर लेवल को कम करते जाते हैं. इस जो वाटर टैंक है इसको आप या डाउन मूव कर सकते हैं. वाटर टैंक को आप या डाउन मूव करके वाटर लेवल चेंज होता है. वाटर लेवल को चेंज करके एक सिचुएशन आती है कि दोबारा से हमको साउंड की इंटेंसिटी ज़्यादा सुनाई देती है. फर्स्ट टाइम यहाँ पर रेजोनेंस हुआ, दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम हो गई, नेक्स्ट टाइम फिर से साउंड की इंटेंसिटी ज़्यादा सुनाई देती है. तो उस केस में क्या होता है कि जैसे टोटल लेंथ यहाँ L2 प्लस E के इक्वल हो गई, एंड इन दिस केस दिस L2 प्लस E क्या हो गया, 3 लैम्डा बाई 4. ठीक, एंटी नोड, सो दिस डिस्टेंस इज 3 लैम्डा बाई 4. तो यहाँ से यदि हम फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं, तो फ्रीक्वेंसी इधर आ गया V अपॉन 4 टाइम्स L1 प्लस E, इसमें फ्रीक्वेंसी आ गई 3 टाइम्स V अपॉन 4 L2 प्लस E. ठीक, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, तो V आ जाता है ट्वाइस न्यू L2 माइनस L1, एंड E दैट इज एंड करेक्शन, दिस इज L2 माइनस 3 L1 बाई 2. यहाँ पर न्यू क्या है, दिस इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द ट्यूनिंग फॉर्क, जो जिस ट्यूनिंग फॉर्क की हेल्प से हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं उसकी ये फ्रीक्वेंसी है. ठीक है, तो इस एक्सपेरिमेंट की हेल्प से हम स्पीड ऑफ साउंड इन एयर निकाल सकते हैं एंड एंड करेक्शन निकाल सकते हैं. क्लियर, अब मैं बात कर रहा हूँ बीट्स. बीट्स किस तरीके से फॉर्म होते हैं, तो बीट्स एक तरीके से सुपरपोजिशन ऑफ प्रिंसिपल का एक एग्जाम्पल है. बट इसमें क्या है कि जैसे टू वेव्स हैं, उनकी जो फ्रीक्वेंसी है स्लाइटली डिफरेंट होनी चाहिए. जो साउंड वेव्स हैं उनकी फ्रीक्वेंसी स्लाइटली डिफरेंट होनी चाहिए. तो इस केस में जैसे मैंने एक इक्वेशन माना वाई वन इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा वन टी माइनस के वन एक्स, दूसरे इक्वेशन एज्यूम किया वाई टू इक्वल टू ए साइन ओमेगा टू टी माइनस के टू एक्स. ठीक है, लिसनर क्या सुनता है, मैक्सिमम मिनिमम इंटेंसिटी सुनाई देती है, टाइम के साथ इंटेंसिटी का वेरिएशन फील करता है वो. ठीक है, तो वो उनको हम क्या कहते हैं, बीट्स कहते हैं. जैसे यहाँ पर दोनों वेव एक ही डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही हैं, दोनों के एक की फ्रीक्वेंसी ओमेगा वन, दूसरे की ओमेगा टू. ठीक है, अच्छा, अब मैं एक पर्टिकुलर पोजीशन पर बात करूं. जैसे x को मैंने जीरो मान लिया, एट x इक्वल टू जीरो यहाँ से मिलेगा y इज इक्वल टू वाई वन प्लस वाई टू. ठीक है, y इज इक्वल टू वाई वन प्लस वाई टू. यदि हम इन दोनों को ऐड करते हैं, तो सिंपली साइन c प्लस साइन d के जो फॉर्मूले से हमको रिजल्ट मिलता है y इक्वल टू टू ए साइन ओमेगा वन प्लस ओमेगा टू अपॉन टू टी. तो यहाँ इसको हम आगे ऐसे भी लिख सकते हैं, टू ए साइन टू पाई न्यू वन, टू कैंसिल हो जाएगा, पाई न्यू वन प्लस न्यू टू इंटू टी इंटू कॉस, एंड दिस इज पाई न्यू वन माइनस न्यू टू इंटू टी. अब इस वाले एक्सप्रेशन में ये दो टर्म दे रखे हैं कि यहाँ न्यू वन प्लस न्यू टू आ रहा है या न्यू वन माइनस न्यू टू आ रहा है. क्लियर, अब इसमें क्या होगा कि टाइम के साथ जो वेरिएशन है वो किस तरीके से, उसकी इंटेंसिटी किस तरीके से चेंज होगी, वो हमको देखना है. तो उसको मैं यदि ग्राफिकली इसका देखता हूँ कि जैसे वाई इज इक्वल टू ए आ रहा है, तो इसका यदि मैं ग्राफ देखूँ, ठीक है, तो ग्राफ किस तरीके से आएगा. यहाँ हमने जैसे अभी मैंने ग्राफ की बात की, तो ग्राफ इस तरीके का बनेगा इसका. ठीक है, ये इक्वेशन के कॉरस्पॉन्डिंग हमने ग्राफ बना लिया.
अब इसमें देखो कि जैसे मिनिमम मैक्सिमम जो हो रहा है उसके हमको टाइम उनके करस्पॉन्डिंग निकलना है। तो इसमें जो ये वाला इक्वेशन था, इसमें ये वाला टर्म, एक में यहाँ पर फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, यहाँ फ्रीक्वेंसी कम है, तो जो कम फ्रीक्वेंसी से चेंज हो रहा है वो, जैसे यहाँ पर मैक्सिमम था ये एम्पलीट्यूड, फिर मिनिमम हो गया, फिर मैक्सिमम, फिर मिनिमम, ठीक, वो तो कम फ्रीक्वेंसी वाला है। जो ज़्यादा फ्रीक्वेंसी वाला टर्म है उसके कॉरस्पॉन्डिंग क्या है, ये देखो इसके अंदर यहाँ पर जो वेरिएशन हो रहा है, ये ज़्यादा फ्रीक्वेंसी वाला टर्म है। अब मैं देखता हूँ कि ये जो एम्पलीट्यूड है इसका, एम्पलीट्यूड मतलब 2a cos(1-2t) ये वाला जो टर्म है दिस एंड 2a, इसकी वैल्यू मैक्सिमम एंड मिनिमम कब होती है। जैसे एक बार हम मैक्सिमम के लिए देखें, तो मैक्सिमम के लिए जो टाइम आता है यहाँ से आता है t=0 आता है, उसके बाद मैक्सिमम के लिए दूसरा नेक्स्ट टाइम जाता है 1/(1)(1-2) आता है, एंड इस तरीके से चलता जाएगा। एंड फॉर मिनिमम, मिनिमम के लिए जो टाइम आता है 1/(1)(1) आता है 1/(2)(1-2), एंड नेक्स्ट 3x(2)(1-2), एंड सो ऑन, इस तरीके से चलता जाएगा। तो इसमें क्या होता है कि जैसे वन मैक्सिमा टू अदर मैक्सी अनदर मैक्सिमा, जो सक्सेसिव मैक्सिमा आ रहा है उनके बीच का जो टाइम इंटरवल है वो टाइम पीरियड ऑफ द बीट्स होगा, एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी ऑफ बीट्स की यदि हम बात करें, जिसको कि मैं बीटा से डिनोट कर रहा हूँ, ये जो फ्रीक्वेंसी ऑफ बीट्स होगा वो क्या होगा इस टाइम पीरियड का उल्टा, इस इधर से इधर का टाइम इंटरवल कितना है 1/(mod)(1-2), सो बीट फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा mod(1-2). सो दिस इज़ अ बीट फ्रीक्वेंसी, तो इस फ्रीक्वेंसी की बीट्स हमको सुनाई देती रहेंगी, ठीक है। इसमें बीट फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनते हैं, जैसे ट्यूनिंग फॉर्क। तो इसमें एक दो चीज़ें आपको याद रखनी है कि ट्यूनिंग फॉर्क को यदि हम फाइल करते हैं, एक तो क्या है कि ट्यूनिंग फॉर्क को हमने रब किया एक तरफ से, उसको घिस दिया, फाइलिंग की, तो ट्यूनिंग फॉर्क की फ्रीक्वेंसी स्लाइटली इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। एंड इफ वी लोड, लोडिंग का मतलब है कि मान लो जो ट्यूनिंग फॉर्क है उसके जो वन प्रोंग पर हमने क्या कर दिया, वैक्स लगा दिया, इट मीन्स लोडिंग ऑफ द ट्यूनिंग फॉर्क, इन दैट केस फ्रीक्वेंसी डिक्रीज स्लाइटली, ठीक। फाइलिंग पर फ्रीक्वेंसी बढ़ती है, लोडिंग पर फ्रीक्वेंसी कम होती है। इस कॉन्सेप्ट का यूज़ करके जैसे फ्रीक्वेंसी हम निकाल सकते हैं, जैसे एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ कि दो ट्यूनिंग फॉर्क हैं ए एंड बी, ठीक, इफ बोथ आर साउंडेड टुगेदर देन फोर बीट्स आर हर्ड। फोर बीट्स सुनाई देने का मतलब हो गया कि जो फ्रीक्वेंसी ऑफ ए, एंड क्वेश्चन में दे रखा है कि फ्रीक्वेंसी ऑफ ए इज 512 हर्ट्ज, ठीक, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्यूनिंग फॉर्क बी क्या होगी, 512 ±4, दोनों पॉसिबिलिटी हैं, या तो 4 प्लस हो सकता है प्लस या -4 हो सकता है, इट मीन्स 516 हो सकता है और 508 हो सकता है, ये दो पॉसिबिलिटी हैं। अब ट्यूनिंग फॉर्क बी की फ्रीक्वेंसी को एग्जैक्ट पता करने के लिए अब हम क्या करते हैं, मान लो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ट्यूनिंग फॉर्क ए को फाइल किया, ट्यूनिंग फॉर्क ए इज फाइल्ड, एंड देन बीट फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो जाती है। अच्छे से समझो, ट्यूनिंग फॉर्क ए को फाइल करने से बीट फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है, तो इसका मतलब कि जो ट्यूनिंग फॉर्क बी है उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी। हमारे पास दो पॉसिबिलिटी हैं, या तो ये होगी 516 या 508 होगी, इन दोनों में से कन्फर्म करना है कि कौन सी फ्रीक्वेंसी ट्यूनिंग फॉर्क बी के करस्पॉन्डिंग होगी, क्लियर। अब जैसे ट्यूनिंग फॉर्क ए को मैंने फाइल किया, तो ए की पहली फ्रीक्वेंसी कितनी थी 512, ठीक, उसको फाइल किया, फाइल करने से फ्रीक्वेंसी स्लाइटली इंक्रीज होती है, मान लो ये 513 हो गई, ठीक। अब हमको क्या देखना है, बीट फ्रीक्वेंसी बढ़नी चाहिए। बीट फ्रीक्वेंसी बढ़ने का मतलब कि यहाँ पर जो ट्यूनिंग फॉर्क था, जो बी ट्यूनिंग फॉर्क है उसकी फ्रीक्वेंसी का और इस ये जो फ्रीक्वेंसी है, इन दोनों का डिफरेंस बढ़ जाना चाहिए। लेकिन आप ये देखो, यदि मैं ट्यूनिंग फॉर्क बी की फ्रीक्वेंसी 516 लेता हूँ, तो ए की कितनी हो गई, तो ए की फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो गई, ए की हमने मानी थी 512, फाइल करने के बाद 513 हो गई। यदि बी की फ्रीक्वेंसी 516 लेता हूँ, दोनों का डिफरेंस कितना हो गया 3, तो वो तो हमारी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। लेकिन मैं बी की फ्रीक्वेंसी 508 लेता हूँ और इसकी 513 हो गई, तो इन दोनों का डिफरेंस बढ़ गया, 5 हो गया ना, पहले 4 था, 4 बीट सुनाई दे रहे थे। तो इसमें जो ट्यूनिंग फॉर्क बी की जो फ्रीक्वेंसी होगी क्या होगी, 508 होगी। यदि इसी क्वेश्चन में यदि दे रखा होता कि ए को फाइल करने से बीट फ्रीक्वेंसी डिक्रीज हो जाती है, इन दैट केस आंसर क्या आता, तब आंसर आ जाता हमारा 516, ठीक है। तो इसके बाद हम बात करेंगे डॉपलर इफेक्ट की। डॉपलर इफेक्ट में क्या होता है कि जैसे जब सोर्स एंड लिसनर, ठीक है, दोनों के बीच का यदि गैप चेंज हो रहा है टाइम के साथ, तो जो लिसनर फ्रीक्वेंसी डिटेक्ट करता है वो फ्रीक्वेंसी एक्चुअल फ्रीक्वेंसी से डिफरेंट होती है, ठीक है, वो फ्रीक्वेंसी कम भी हो सकती है एक्चुअल फ्रीक्वेंसी से और वो ज़्यादा भी हो सकती है।
तो जो अपेरेंट फ्रीक्वेंसी है मींस जो डिटेक्टेड फ्रीक्वेंसी है वो हमको निकालनी है। तो उसके लिए क्या है कि मैं कंडीशन लेके चल रहा हूँ कि यहाँ पर एक सोर्स है जिसकी वेलोसिटी वी एस एंड एक ऑब्जर्वर है उसकी वेलोसिटी वी ओ, ठीक। एंड वी एस एंड वी ओ इन दोनों की जो वैल्यू है ये दोनों ही क्या है स्पीड ऑफ साउंड से कम है। वी यहाँ पर स्पीड ऑफ साउंड मान के चल रहे हैं दोनों से कम है। तो उस केस में ये रिजल्ट होता है कि जो अपेरेंट फ्रीक्वेंसी है न्यू डैश इज इक्वल टू न्यू वी माइनस वी ओ अपॉन वी माइनस वी एस। न्यू यहाँ पर एक्चुअल फ्रीक्वेंसी जो यहाँ से जनरेट हो रही है ना वेव सोर्स से उसकी फ्रीक्वेंसी है न्यू, ठीक है। वी ओ ऑब्जर्वर की वेलोसिटी हो गई और वी यहाँ पर साउंड की वेलोसिटी हो गई, ठीक। इसमें साइन कन्वेंशन का ध्यान रखना होता है। ये जो मैंने अभी रिजल्ट लिखा है उसमें तीनों की हमने डायरेक्शन सेम एज्यूम की है। जैसे मैं कि आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि एक फ्रीक्वेंसी मान लो 500 हर्ट्ज दे रखी है एंड वी ओ 10 मीटर पर सेकंड दिया हुआ है, वी एस 20 मीटर पर सेकंड दिया हुआ है एंड जो वी है वो मान लिया 330 मीटर पर सेकंड दिया हुआ है। आपको ये बताना है कि जो डिफरेंट केसेस हैं उसमें आपको अपेरेंट फ्रीक्वेंसी बतानी है। तो अपेरेंट फ्रीक्वेंसी हम कैसे निकालेंगे वो आप देख लो। जैसे यहाँ पर एक ऑब्जर्वर इधर की तरफ जा रहा है, सोर्स इधर की तरफ जा रहा है। नेक्स्ट जो पॉसिबिलिटी है कि ऑब्जर्वर मैंने यहाँ मान लिया एंड सोर्स को कि यहाँ पर मान लिया। नेक्स्ट जो पॉसिबिलिटी है कि सोर्स इसी जगह पर लेकिन सोर्स इधर आ रहा है एंड ऑब्जर्वर कहीं इधर जा रहा है। नेक्स्ट जो पॉसिबिलिटी है इधर की तरफ यहाँ पर मैंने मान लिया। नेक्स्ट पॉसिबिलिटी में क्या है इधर की तरफ मान लिया मैंने वी एस, ठीक। इधर की तरफ मान लिया मैंने वी ओ। तो इस तरीके से जो डिफरेंट पॉसिबिलिटीज हैं इन केसेज में मुझे अपेरेंट फ्रीक्वेंसी निकालनी है। तो न्यू डैश जैसे फर्स्ट केस की मैं बात करूँ तो फर्स्ट केस में जो न्यू डैश होगा न्यू दैट इज 500 वी माइनस वी ओ, वी ओ की वैल्यू 10 है, सेम डायरेक्शन है। साउंड की वेलोसिटी का जो ध्यान रखना है ये जो वी है दिस इज ऑलवेज फ्रॉम सोर्स टू ऑब्जर्वर। इसमें ध्यान रखना है कि जो साउंड की वेलोसिटी है यहाँ पर सोर्स टू ऑब्जर्वर इधर की तरफ, इस केस में वी किधर होगा यहाँ क्योंकि सोर्स इधर है ऑब्जर्वर इधर है, इस केस में वी इधर की तरफ एंड इस केस में वी इधर की तरफ। एंड जो साइन हमको लेना है वो वी के अकॉर्डिंग लेना है, इस वी के अकॉर्डिंग। वी के अपोजिट है तो माइनस का साइन लेना होगा। तो इस केस में जैसे न्यू डैश इज इक्वल टू 500 फर्स्ट केस की बात कर रहा हूँ वी माइनस वी ओ 330 माइनस सेम डायरेक्शन में जिधर की तरफ वी है उधर ही वी ओ, वी ओ कितना है 10 डिवाइडेड बाई वी माइनस वी एस। वी एस भी सेम डायरेक्शन में है यहाँ पर, वी एस उसी डायरेक्शन में जा रहा है, दिस इज माइनस 20, क्लियर। तो न्यू डैश इज इक्वल टू दिस, तो यहाँ से हम क्या करेंगे ये इतना आ गया न्यू डैश। कैलकुलेशंस करोगे यहाँ से आंसर आ जाएगा। इन सेकेंड केस, सेकेंड केस में देखो न्यू डैश क्या आएगा। सेकेंड केस में क्या हो गया वी एस इधर की तरफ, वी इधर की तरफ है साउंड की वेलोसिटी एंड वी ओ एज वेल एज वी एस बोथ आर अपोजिट टू वी, दैट्स वाई इन बोथ द केसेस साइन हमको क्या लेना पड़ेगा अपोजिट लेना पड़ेगा। 500 दिस इज 300 प्लस 10, क्लियर, क्योंकि V इधर की तरफ था वी ओ अपोजिट है तो यहाँ प्लस का 10 आ गया। सिमिलरली यहाँ V प्लस 20, क्लियर। नेक्स्ट केस में जैसे यहाँ पर हम देखते हैं तो यहाँ पर क्या आएगा थर्ड केस में न्यू डैश इज इक्वल टू 500 330 प्लस का 10 क्योंकि वी ओ इसके अपोजिट हो गया तो ये प्लस का 10 आएगा डिवाइडेड बाई 330, ये माइनस का 20 आएगा। माइनस 20 क्यों आएगा क्योंकि V एंड वी एस दोनों सेम डायरेक्शन में है। तो यहाँ से आ गया ये थर्ड केस आ गया एंड फोर्थ केस में न्यू डैश आ जाएगा 500, ठीक है 330 एंड दिस इज प्लस 10 डिवाइडेड बाई 330 माइनस 20। इस तरीके से हम फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं। इस डॉपलर इफेक्ट में ही मुझे आगे बढ़ रहा हूँ मैं कि जैसे यहाँ पर एक प्रॉब्लम मैं सॉल्व करना चाहता हूँ जैसे इसमें क्या है कि मीडियम भी मूव कर रहा है। जैसे इधर की तरफ VM है तो इस VM के कंपोनेंट करेंगे तो मीडियम मूव करेगा तो जो साउंड की स्पीड है उसमें भी चेंज आएगा। जैसे VM का इधर कंपोनेंट आ गया VM cos थीटा, ठीक। तो इसमें हम क्या करेंगे जो साउंड की वेलोसिटी है V, इफेक्टिव साउंड की वेलोसिटी हो V को हम क्या लेंगे V प्लस, जैसे वी डैश मान लेता हूँ V प्लस VM cos थीटा के इक्वल लेंगे इसको। एंड इस केस में जो रिजल्ट चेंज होगा डॉपलर इफेक्ट के लिए जो अपेरेंट फ्रीक्वेंसी है न्यू डैश इज इक्वल टू न्यू V प्लस वी एम, यानी वी की जगह पर हमको क्या लेना होगा वी प्लस वी एम कॉस थीटा माइनस वी ओ डिवाइडेड बाई वी प्लस वी एम अगेन यहाँ भी कॉस थीटा माइनस वी एस। तो ये वाला फॉर्मूला हमको यूज करना होगा, ठीक। तो ये रिजल्ट याद रखना है। उसके बाद मैं एक क्वेश्चन और सॉल्व करता हूँ। जैसे दो पॉसिबिलिटी हैं कि सोर्स सर्कल में घूम रहा है
या ऑब्जर्वर सर्कल में घूम रहा है, जैसा कि यहाँ आप देखो इसमें पहला केस मैं लेके चल रहा हूँ कि ऑब्जर्वर सर्कल में घूम रहा है, ऐसे कॉन्स्टेंट स्पीड से घूम रहा है, उसके ऑब्जर्वर की स्पीड क्या है वी ओ, एंड सोर्स यहाँ पर रखें रेस्ट में है, सोर्स रेस्ट में है, तो जो ऑब्जर्वर जो मैक्सिमम मिनिमम फ्रीक्वेंसी सुनाई देंगे उसको, जो अपेरेंट फ्रीक्वेंसी की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो क्या होगी, एंड मिनिमम फ्रीक्वेंसी अपेरेंट फ्रीक्वेंसी की जो मिनिमम वैल्यू होगी वो क्या होगी। तो इसमें आप ये देखो जैसे इधर की तरफ वी ओ, सोर्स यहाँ था तो साउंड किधर आएगी, इधर की तरफ आ रही होगी, ठीक। तो इस इंस्टेंट पर जब ऑब्जर्वर यहाँ पर है, यहाँ पर लिसनर यहाँ है, साउंड की वेलोसिटी इधर की तरफ है, तो इस केस में जो फ्रीक्वेंसी हम डिटेक्ट करेंगे इस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग क्या होगी फ्रीक्वेंसी, न्यू टेस्ट जीरो टू न्यू वी माइनस वी ओ। अब वी इधर की तरफ है, साउंड की वेलोसिटी इधर है लेकिन ऑब्जर्वर की वेलोसिटी उधर की तरफ है, तो यहाँ क्या आ जाएगा प्लस का साइन, वी प्लस वी ओ डिवाइडेड बाई वी माइनस वी एस, वी एस हमारा रेस्ट में है। तो ये जो फ्रीक्वेंसी आएगी दिस फ्रीक्वेंसी इज मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, एंड इस ऐसे ही यहाँ पर इसको यहाँ टेंजेंट ड्रॉ किया एंड करस्पॉन्डिंग टू दिस टेंजेंट दैट फ्रीक्वेंसी विल बी न्यू, इधर की तरफ वी, साउंड की वेलोसिटी हमेशा किधर लेते हैं सोर्स टू ऑब्जर्वर, साउंड की जो वेलोसिटी हमेशा सोर्स टू ऑब्जर्वर होगी, सो न्यू डेस टू न्यू वी माइनस वी ओ अपॉन जीरो, वी माइनस जीरो, दिस फ्रीक्वेंसी इज मिनिमम फ्रीक्वेंसी। सो ऑब्जर्वर जो मिनिमम एंड मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी सुनेगा वो ये दो फ्रीक्वेंसी, मिनिमम हो गई या मैक्सिमम हो गई, ठीक है। अच्छा इस केस में बताओ मैक्सिमम मिनिमम फ्रीक्वेंसीज क्या होंगी, एंड इस केस में जैसे सोर्स यहाँ पर है तो सोर्स जब यहाँ है उस इंस्टेंट पर ऑब्जर्वर क्या सुन रहा होगा, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, जब सोर्स यहाँ है उस इंस्टेंट पर ऑब्जर्वर मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी सुनेगा या मिनिमम सुनेगा वो कहना ठीक नहीं होगा, क्योंकि इस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग जैसे पी पॉइंट है इसके यहाँ पर जो वेव्स जनरेट हुई थी उन वेव्स को पहुँचने में वहाँ तक पहुँचने में टाइम लगेगा, ठीक है। जितने टाइम में ये वाली वेव वहाँ पर पहुँचेंगी तब तक ये सोर्स अपनी पोजिशन चेंज कर चुका होगा, हो सकता है कि सोर्स यहाँ से चल के यहाँ आ गया या कहीं और आगे चला गया, ठीक है। हाँ लेकिन इसमें ये कहें कि फ्रीक्वेंसी डिटेक्टेड कॉरस्पॉन्डिंग टू द वेव्स ओरिजिनेटेड एट पॉइंट पी, वो जो फ्रीक्वेंसी होगी उसके लिए हम कह सकते हैं वी माइनस वी ओ, तो जीरो हो गया अपॉन वी माइनस वी एस। ये जो फ्रीक्वेंसी है दिस इज द फ्रीक्वेंसी डिटेक्टेड बाय द ऑब्जर्वर कॉरस्पॉन्डिंग टू द वेव्स ओरिजिनेटेड एट पॉइंट पी, ठीक वो वाली फ्रीक्वेंसी है ये। जैसे जो जब सोर्स यहाँ होगा, सोर्स जब यहाँ होगा तो उस इंस्टेंट पर वो फ्रीक्वेंसी जो डिटेक्ट कर रहा होगा वो डिफरेंट होगी, ठीक है। ये वाली फ्रीक्वेंसी नहीं होगी, ये वाली फ्रीक्वेंसी क्या है जो वेव यहाँ जनरेट हुई उनके कॉरस्पॉन्डिंग जो उसने सुना वो ये है। ऐसे ही जो वेव्स यहाँ पर जनरेट हो रही हैं उनके कॉरस्पॉन्डिंग जो ऑब्जर्वर सुन रहा होगा वो वाली फ्रीक्वेंसी क्या होगी, ये तो पी पॉइंट पर जो फ्रीक्वेंसी जनरेट हुई उसके कॉरस्पॉन्डिंग है, एंड इसी तरीके से मान लो क्यू पॉइंट है यहाँ पर जो वेव जनरेट होगी उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो फ्रीक्वेंसी होगी न्यू वी माइनस वी ओ, तो जीरो हो गया अपॉन सोर्स इधर जा रहा है वी हमारा इधर जा रहा है, इट मीन्स दिस इज वी प्लस वी एस। तो एक तरीके से ये जो फ्रीक्वेंसी है ये हमारी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी आएगी और ये वाली फ्रीक्वेंसी मिनिमम होगी, ठीक है। तो इसमें इस तरीके से हम कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं, मॉड्यूल आपको दिया हुआ है सारे क्वेश्चंस आपको ट्राई करने हैं, ठीक है। ओके बच्चों, सो गॉड ब्लेस यू।